बड़ी खबर यह है कि मुर्तजा से लगातार पूछताछ हो रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जानकारी इस बात की है कि मुर्तजा के कनेक्शन अब काफी दूर तक दिखाई दे रहे हैं। जो राज खुल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि मुर्तजा को लेकर एबीपी गंगा पर सबसे बड़ा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। मुर्तजा के पास हथियार भी थे, बड़े हमले की तैयारी थी, सूत्र ये बता रहे हैं जो पूछताछ हो रही है एटीएस और एसटीएफ की, उससे ये खुलासे हो रहे हैं कि एटीएस की नजर रखने की वजह से जल्दबाजी में उसने हमला कर दिया और जल्दबाजी में धारदार हथियार से मुर्तजा ने हमला किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। देवबंद से नेपाल बॉर्डर के मदरसों तक बड़ी साजिश हो रही थी ये सूत्र बता रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत बड़ा कनेक्शन। वीरेश ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, ये बड़े खुलासे लगातार जो सामने आ रहे हैं, अब देखिए जानकारी इस बात की है कि देवबंद से लेकर नेपाल बॉर्डर तक के जो मदरसे हैं वहां पर साजिश रची जा रही थी। देखिए, जो नेपाल बॉर्डर के मदरसे हैं उसको लेकर आईबी ने अब से लगभग 6-7 साल पहले ये इनपुट दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो मदरसे हैं उनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी पनप रही हैं। जब नेपाल और के बीच और भारत के बीच में जब तनाव बढ़ा था उस दरमियान भी आपने देखा था कि इन मदरसों पर नजर रख रही थी एजेंसीज, और साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा था कि चाइना नेपाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, उनमें भी सीमा के उस पार जो मदरसे हैं उनकी भी भूमिका को लेकर जांच की जा रही थी। तो ये एक बड़ी समस्या है नेपाल के बॉर्डर पर। अगर आप जाएंगी, मैंने कई बार वहां की यात्रा की है, स्टोरी की है, तो ऐसे में साफ देखने को मिलता है कि भारत और नेपाल की सीमा पर दोनों तरफ जो मदरसे हैं वो कुकुरमुत्ते के समान वहां फैले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो नवनिर्माण हैं, निर्माणाधीन हैं, और ये फंड कहाँ से आ रहा है, ये एक बड़ा खतरा है। और जो मुर्तजा मामले में देखने को मिल रहा है कि नेपाल जाने के दरमियान वो मदरसे में गया था, मदरसे में रुका था, और इस तरीके के जो लिटरेचर हैं, जो वीडियोस हैं, उनको उसको मुहैया कराई गई थी, उसको प्रेरित किया गया था, ऐसा पढ़ा हुआ टेक्नोक्रेट आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ और अति बुद्धिजीवी युवक को किस रूप में गुमराह मदरसों में किया गया, आईआईटी पवई में वो संपर्क में था तो डी कंपनी के संपर्क में था, बहुत सारे ऐसे जो लिंक्स हैं उसे खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जो भी लिंक्स सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक हैं, कि जिस तरीके से एक आईबी की रिपोर्ट आई थी, आईबी की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया था कि पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, बहुत सारी ऐसे शख्स हैं जो रेडिकलाइज करते हैं, युवाओं को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और आई है आईबी सोर्सेस की कि चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये रिपोर्ट दी है आईबी ने कि 10